तो दोस्तों अगर आप भी Realme का जो 11 सीरीज है उसको यूज करते हैं तो यहाँ पे मैं YouTube का जो बैकग्राउंड प्लेइंग है इसको लेकर मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस करने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं Realme 11 सीरीज में बहुत सारे यूजर्स के पास अगर यहाँ पे जो ये फीचर ही कह सकते हैं भाई काफी अच्छा फीचर है जो आपको जो बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलता है काफी बढ़िया मिलता है जो कि YouTube में देखने को मिलता है। इसमें आप YouTube के अगर कोई वीडियो प्ले करते हैं बाय द वे आप कोई भी यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं तो आप YouTube जो बैकग्राउंड स्ट्रीम है इसको यूज करके काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं इस जो है YouTube में जाके, ठीक है। और Realme के अगर आप 11 सीरीज यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा फीचर मिलता है जो कि YouTube बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का मिलता है। इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है साइट को, ठीक है, ऊपर साइट को सर्च कर लेना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है और जैसे ही यहाँ पे स्मार्ट साइड बार आ जाएगा आपको सिंपल इस पर टैप करना है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका हो सकता है कि बंद हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर बंद होगा तो आपको करना क्या होगा, इसको इनेबल कर लेना है इस तरीके से और नीचे आना है तो यहाँ पे ये दोनों भी आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों की तरफ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप हाइड करना चाहे हाइड भी कर सकते हैं, अगर आप हाइड नहीं करना चाहते तो मीडियम में भी इसको रख सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा, उसके बाद आपको यूट्यूब पे चले जाना है, ठीक है। यूट्यूब पे जाने के बाद किसी भी एक वीडियो पे चले जाना है जिसपे आप प्ले करना चाहते हैं, मतलब जिसमें अपनी वीडियो को जो है बैकग्राउंड में स्ट्रीम करना चाहते हैं तो क्लिक करना है उसके बाद किसी भी एक पे, ठीक है। यहां से मैं आवाज को थोड़ा कम कर देता हूं, ये देख सकते हैं आप ये वीडियो हमारी चलने लग गई है। अब यहां पे आपको कैसे इसको बैकग्राउंड में स्ट्रीम करना है, यहां पे पिंच करना है। पिंच जैसे ही आप करेंगे तो यहां पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल करना क्या होगा इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। आप जैसे ही बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहां पे आपको एक पॉपअप शो करेगा। ये फीचर काफी बढ़िया फीचर है। अब देखिए मैं यहां पे जैसे ही आवाज करूंगा तो ये बैकग्राउंड में चल रही है वीडियो, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका। तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरीके से इस फीचर को जो है यूज करना है, किस तरीके से यूजेबल है ये फीचर। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, कहीं भी आप कुछ काम कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं उसको बिना रुकावट जो है यहाँ पे यूज करने के लिए तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आप उसी पेज पे चले आएंगे, ठीक है। तो भाई काफी अच्छा फीचर है जिसको आप आराम से इजिली जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा फीचर मिल जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हर एक जो है कह सकते हैं ना कि हर एक टाइम के लिए आपको बढ़िया लगने वाला ये फीचर। और ये फीचर जो है जैसे ही आप इसको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखने पे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा और आराम से आप वीडियो अगर आप प्ले करना चाहें तो वीडियो भी आप प्ले कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं अपने इस फोन में और इस फोन में इनेबल करने के बाद आप सारी चीज जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है YouTube बैकग्राउंड का ऑप्शन, बैकग्राउंड स्ट्रीम का एक ऑप्शन मिलता है, ये फीचर मिलता है। तो इस फीचर को इजिली जो है आप इनेबल कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस में। वेल कॉमेंट में बताइएगा किन किन डिवाइस के यूजर्स को ये फीचर मिला है, किन किन डिवाइस के यूजर्स को ये फीचर्स मिला या फिर नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर से अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो भाई ठीक है, ये अच्छा फीचर है जो कि मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के थ्रू। तो होपली ये वीडियो आपको पूरी अच्छी लगी होगी, तो डेफिनेटली वीडियो को भी आप शेयर करेंगे बहुत सारे जो है यूजर्स के पास, जितने भी यूजर्स यहाँ पे यूज करते हैं तो सभी यूजर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे नए आते हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम इस तरीके की मेहनत करके वीडियो पे जो है यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने की डेली बेसिस पे जो कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।